स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल यूनिट को सूचना मिली थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उदयपुर आई हुई है। टीम ने यहां पर धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दीपक सेठिया नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को छोड़ने के लिए 10 लाख की रिश्वत की मांग की थी और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की कार नंबर और लोकेशन भी मिली थी। टीम ने चेतक सर्कल के पास एक संदिग्ध टैक्सी को रुकवाया जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई ज्ञानेश्वर जगपात और हेड कांस्टेबल प्रशांत पटेल और दीपक सेठिया सहित 4 लोग सवार थे। तलाशी ली गई तो टीम को कार में से 10 लाख रुपए की घूस में से पहली किस्त के रूप में 4,97,000 रुपए जो कैश है वो बरामद किए गए और इस कैश के बारे में एसीबी की टीम को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ज्ञानेश्वर और प्रशांत को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान